हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो माय नेम इज जिमी और आप देख रहे हैं सुपर ही चैनल तो यार मुझे भी थोड़ी सर्दी हो रही है तो यार थोड़ा आवाज में कॉपरेट कर लेना तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस सिम्बियोट के बारे में जो नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में मार्वल के मेन यूनिवर्स में ही रह गया था और वो अब आगे मेन यूनिवर्स के एडी ब्रोक को कैसे ढूंढता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम तो भाई लोग रूसो चाचा ने बोल ही दिया है कि सोनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ तो टॉम वाले स्पाइडरमैन की चौथी मूवी भी मार्वल में ही बनेगी और शायद पांचवी भी तो चौथी मूवी तो के, में में तो के बारे में तो जान ही लिया है क्योंकि एडी ब्रॉक ने पोस्ट क्रेडिट सीन में बार टेंडर से पूछा था तो वो सिम्बियोड ढूंढेगा इस यूनिवर्स के एडी ब्रॉक को या टॉम होलैंड को भी ढूंढ सकता है पर ऐसा शायद ही होगा क्योंकि ऐसा हमने टोमी वाले स्पाइडरमैन की मूवी में देख रखा है और मार्वल हमें

नहीं नहीं अभी पिक्चर नहीं खत्म मार्वल इतना सीधा भी नहीं है उसके बाद शायद ऐसा हो सकता है कि वैनम को पता चल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और वैनम समझ जाए कि यार इस लोंडे की जिंदगी तो पहले ही बर्बाद है इसकी गर्लफ्रेंड इसे भूल गई इसके बेस्ट फ्रेंड को पता नहीं ये कौन है आंट में भी नहीं रही इतनी दुख भरी कहानी सुनकर शायद वैनम ही पीटर पार्कर की सेटिंग कराने लगे क्यूँकी यार हमने वैनम में भी देखा है वैनम का दिल काफी ज्यादा साफ है वो बार बार लगातार कोशिश करता रहता है की एडी का प्यार उसके पास वापस आ जाए हो सकता है की वो पीटर पार्कर के साथ भी ऐसा ही करे और वैनम पीटर पार्कर और एमजे को मिला दे और पीटर पार्कर खुद वैनम को अपनी मर्जी से अब्जोर्व कर ले तो यही होगी मे भी हैप्पी एंडिंग और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय बाय